नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाई। आप नमस्कार, ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम मासूम भाई। मासूम भाई, ये आपका कौन सा तालुका है? ये धानेरा तालुका। धानेरा तालुका, देखिए हम आपको गांव नहीं बताएंगे, गांव में समस्या होती है, किसान को परेशान करते हैं लोग, परेशान, इसलिए गांव हम आपको नहीं बताते हैं वीडियो में, ठीक है। धानेरा तालुका में हैं अभी हम, और ये बनासकांठा जिला है, गुजरात है, और यहाँ पे नई खेती हुई है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, किसान भाई हैं हमारे साथ में, इनसे हम पूरा वार्तालाप करेंगे, आप लोग देखिएगा। ये बताइए आपने ये क्या किया है, कौन सी खेती किया है? ये खीरे लगाए। खीरे की खेती किया है आपने, और ये नेट हाउस आपने बनाया है? ये नेट हाउस में खीरे लगाए। नेट हाउस में, तो अभी ये नेट हाउस आपने कब लगाया? मैं लगाया 12वें महीने में 15 तारीख को। 12वें महीने में 15 तारीख को नेट हाउस लगवाया आपने, कंप्लीट हो गया काम आपका? कंप्लीट, मतलब 15 दिसंबर को आपका नेट हाउस कंप्लीट? कंप्लीट। उसके बाद आपने ये खीरा कब लगाया? खीरा लगाएगा 12वें महीने में 28 तारीख को, 19 तारीख को फोन भेजा, 29 दिसंबर 2023 को आपने पानी दिया, मतलब तभी आपने मानो तो खेती हुआ, 28 को लगाया था, 29 को पानी दिया, पानी। तो 29 तारीख से शुरुआत होता है, 29 तारीख से पूरा लिखना पड़ता है, पूरा लिख के रखते हैं कि कब पानी देना है, कब क्या दवा देना है, ये सब। तो आप ये बताइए, 29 को आपने मान लीजिए आपकी खेती शुरुआत हुई, तो उसके बाद कैसा ट्रीटमेंट है, क्या किया आपने, ट्रीटमेंट पानी का कैसा सिस्टम है? छोटा सा था तो बहुत ट्रीटमेंट थी उसकी, उसका ज़्यादा मेहनत था, छोटा सा। हाँ, छोटा पौधा का तो मेहनत करना पड़ता है, फर्टिलाइजर भेजना पड़ता है ड्रिप से, फिर स्प्रे करना पड़ता है, ऐसा है। और इसमें आपने टपक लगाया है नीचे? हाँ, ड्रिप लगाया अंदर से, ये आप दिखाइए, इधर नीचे दिखाइए, ये ड्रिप है, नीचे ये बीच में ड्रिप लगी हुई है। हाँ ठीक, आप ये देख लीजिए, इधर आपका अंदर आ जाइए, थोड़ा अभी आ जाइए। तो अभी आपकी ये पहली चौड़ाई कब चालू हुआ? पहले चौड़ाई 2 तारीख को हुआ था, अरे 19 तारीख को, दूसरे महीने में 19 फरवरी 2024 को इनकी पहली तुड़ाई हुई। पहली बार इन्होंने तोड़ा, तो उसके बाद लगातार आपकी तुड़ाई चालू है? आज एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के आप तोड़ते हो, तो कितना निकलता है माल? हमारा निकलता है, मतलब कल निकला था, कभी कभी निकलता है 250 क्विंटल, ढाई क्विंटल। लो कल निकला था 600 जबला, मतलब आधा 1 क्विंटल जैसा, 1 क्विंटल जैसा। हाँ तो आपको हम बता देते हैं, आपका ये खीरा कहाँ जाता है मार्केट? जोधपुर, जोधपुर राजस्थान जाता है, ठीक। अभी ये गुजरात में है, और यहाँ पे इस गांव में 4 लोगों ने फार्म बनाया है, 4 लोगों का एक साथ ही तोड़ के जाते हैं, एक ही लोड करते हैं, एक ही गाड़ी लोड होती है, हर डेली लोड होती है, एक दिन छोड़ के गाड़ी लोड होती है और जोधपुर जाता है राजस्थान। और क्या मार्केट अभी चल रहा है इसका? 30-32 रुपए किलो जाता है, आप ये समझिए। और 19 तारीख से पहली तुड़ाई हुई थी, आज 11 मार्च है, कंटिन्यू तुड़ाई चालू है। आप एक बार देख लीजिए, फल भी हर पत्ते पे फल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और फल की साइज भी बेहतरीन है। और जैसे कि एक फल 250 ग्राम, मतलब 200-250 ग्राम, 4 अगर तोड़ लेते हैं तो 1 किलो हो जाते हैं, 4-5 तोड़ते हैं 1 किलो पूरा। हाँ तो बाकी आप देख सकते हैं, अभी निकल भी रहा है, किस हिसाब से लगा हुआ है पूरा। अब आप ये बताइए कि नेट हाउस में आपका टोटल खर्चा कितना आया था? नेट हाउस में 2,65,000 हमने भेजा था कंपनी को, कंपनी को भेजा था 2,65,000 आपने दिया है, बाकी दिया। जो खर्चा हुआ वो अलग, वो अलग। आपका 2,65,000 खर्चा, ये नेट का, नेट हाउस का, नेट हाउस का। उसके बाद ये बीज का और इसका वो अलग से, इसका कितना हो गया खर्चा लगभग? ये कम से कम 1,00,000 रुपया हो गया, 1 लाख हुआ। हाँ उसके बाद एक्स्ट्रा, हाँ मतलब 3,65,000 हो गया मान लीजिए, पहले साल का हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि साथ में। हाँ ये उसके बाद आपका ये दवा वगैरह वो साथ में सब मिला के, सब मिला के 1,00,000 रुपए। हाँ ठीक, अभी तक का आपका खर्चा 3,65,000 हुआ है। हाँ अब उसके अलावा आपका ये ट्रीटमेंट चालू है, और ये अभी कब तक निकलेगा ये खीरा? अभी 2 महीना 10 दिन हुआ है, आज 11 तारीख को है, आज अभी तक 2 महीने 10 दिन हुआ है इस फसल को, अभी 2 महीने और चलेगा, 2 महीने और चलेगा लगभग, आप समझिए लास्ट अप्रैल, 2 महीने लास्ट अप्रैल तक चलेगा। अभी आपका क्या टारगेट, अभी तक आपने कितना सेल कर दिया है? 8 टन माल निकल गया है। 8 टन का मतलब अगर 30 रुपए के हिसाब से आप मानिए तो लगभग 2,40,000। इसके अलावा अभी टारगेट कितना है आपका? अभी और 3 लाख का मेरा टारगेट है, 3 लाख कम से कम 3 लाख तो आएगा, क्योंकि फल भी बढ़िया लगा हुआ है और मार्केट भी अच्छा है, गर्मी में खीरे का मार्केट अच्छा रहता है। तो लगभग आपका 5-5.5 लाख का पहले साल का ये इनकम रहेगा।
और ये नेट हाउस का वैलिडिटी कितने साल तक है? ये कंपनी ने 3 साल की दी दी है गारंटी। 3 साल, 3 साल में फट जाए या कुछ भी हो जाए तो नया लगा देंगे। नया लगा देंगे। और ये खीरा आप निकल जाएगा आप लास्ट अप्रैल में, उसके बाद इसमें क्या लगाओगे आप? कुछ फिर बाद में खीरे लगाने, फिर इसको निकालने के तुरंत बाद आप 15 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद फिर खीरा ही लगा देंगे। जुताई बुताई जैसे बारिश में कोई दिक्कत नहीं? नहीं बारिश में कुछ नहीं दी। 39 से बेड हाइट बढ़ाने की, बेड की जैसे पानी उधर निकलता है ना, तो इस इधर बेड बनाने का ऐसे ही ऐसा है। हाँ। तो आप ये बताइए जैसे इस खेती से आपको अच्छा लग रहा है, मुनाफा है? नहीं अच्छा है, मुनाफा है ना। कोई अलग से मतलब कीट पतंगे कोई रोग भी नहीं लगता अंदर है, नहीं आता। वातावरण अपना अपने हिसाब से बढ़िया सही रहता है। तो आप मतलब संतुष्ट हैं, अच्छे हैं खेती? नहीं अच्छा है। हाँ तो ऐसा किसान भाई भी कर सकते हैं और लोग, लेकिन एक बार खर्ची लगता जरूर है, लगता है लेकिन मेहनत ज्यादा है उसमें, मेहनत करने वाले कोई काम है। हाँ मेहनत करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो कुछ तो नहीं, बिना मेहनत को तो कुछ नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा तो ही आपको मिलेगा होगा। ये बात तो आपकी सही है। तो किसान भाइयों आप लोग देखिएगा वीडियो, मेहनत नहीं करते उसका काम नहीं है, वो खर्चा भी और उसको नहीं निकलेगा, बिना मेहनत के तो नहीं निकलेगा। ये तो बात सही है। उसमें टाइम रोज का अपने, हमने खुद किसी को नहीं दिया, हम खुद लगाए, उसमें कम से कम 8 घंटे देते रोज का, 8 घंटे रोज का। अब मैं जितनी बार आया उतनी बार फार्म के अंदर ही मिले हैं, मैं जब भी आया तो फार्म के अंदर ही मिले हैं। ये बात तो सही है, मेहनत तो करना पड़ता है, अगर आप जाते मेहनत करते हैं तो ही मिलता है, तो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये कितने मतलब 2000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर पूरा चारों तरफ से। वो एक बीघे से कम है थोड़ा सा, एक बीघे से थोड़ा सा कम है, तो कम है एक बीघे से थोड़ा सा, एक बीघे से थोड़ा सा कम है। बीस गुंठा है मतलब, 20 गुंठा है, 24 गुंठे का बीघा होता है, 20 गुंठा है लेकिन ये 20 गुंठा है। बढ़िया है, रिजल्ट भी बढ़िया है आपका। चलिए अब आइए दिखा देते हैं, चालू किए, चालू है ना, हम आपको हम फल दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए कितना हर डाली पे लगा हुआ है, बेहतरीन। और अभी ये निकलेगा, ये भी तो नीचे का बस मान लीजिए यहाँ तक कट उठा है, इसके बाद तो आप ये देख लीजिए बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया रिजल्ट है। खीरा आपको पूरा एक बार दिखा देते हैं, ये देखिए साइज, ये आप देख लीजिए बहुत ही बेहतरीन खेती है। और आपके यहाँ कितने फुट पे पानी है सर? हमें 250 फुट, 250 फुट पे पानी है आपके यहाँ? 250 फुट, तो ये मतलब आपके यहाँ सही है? सही, क्योंकि काफी जगह तो 1000 फुट पे, 800 हमारे पे इधर है, वो दूसरा बोर है ना। हाँ। वो ठंडा पानी है, 250 फुट कम गहराई कम है, उसका ही पानी देते हैं। अच्छा, ज्यादा गहराई वाला बोर का पानी इसमें नहीं डालते। तो बढ़िया है, ऐसा खेती आप सभी लोग कर सकते हैं किसान भाइयों, देख लीजिए। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं होगा, करना ही पड़ेगा।